की तालीम करवाने की जिम्मेदारी जैसलमेर जिला जज को दी गई है। आपको ये भी बता दें कि गहलोत गुट के विधायक जैसलमेर में बाड़ेबंदी में हैं। अब ऐसे में बसपा से कांग्रेस में गए 6 विधायक भी उनमें ही शामिल हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो जैसलमेर SP से भी मदद ली जाए। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर और खुद बसपा ने भी हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील की थी। दिलावर और बसपा ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी को आदेश को सिंगल बेंच में भी चुनौती दी थी। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई की अगर बात करें जिसमें कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा के 6 विधायकों से जवाब भी मांगा था। बसपा ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए। सरल भाषा में अगर इसको बताएं तो जो खंडपीठ है, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस पूरे अपील को निस्तारित कर दिया है। 8 जुलाई तक सभी जो 6 विधायक हैं उनको नोटिस तामील होनी चाहिए। नोटिस तामील के लिए वह 2 बाड़मेर और जैसलमेर के पेपर का सहारा ले सकते हैं। साथ ही यदि जरूरत पड़े डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वहाँ के उनका सहारा उनके माध्यम से नोटिस तामील कराए जा सकते हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो SP की भी मदद ली जा सकती है। प्रतीक कासलीवाल मेरे साथ मौजूद हैं, प्रतीक कासलीवाल से ही बात करना चाहेंगे। प्रतीक जी, क्या कुछ रहा, सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, आज जो अपील थी अपीलार्थी की वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है और उसमें मुख्य रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो सर्विस है इन MLAs की इसको डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू इफेक्चुएट करा जाए और डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर उनको जरूरत पड़े तो वो सहायता ले सकते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। और नंबर 2 जो क्या कहते हैं आपके पब्लिकेशन की बात है उसमें जैसलमेर और बाड़मेर एडिशन राजस्थान पत्रिका का है उसमें इनको छपवाया जाए। और साथ ही साथ एकल पीठ में जो जज है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जो स्टे एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल जो है वो सेम डे करें, यानी कि 11 तारीख को सुनवाई करके 11 तारीख को ही कोई ऑर्डर पारित करें। इस मामले में जो उनका स्टे चाहते हैं उसको 11 तारीख को ही फैसला देने के निर्देश, जी उस तरह के निर्देश एकल पीठ को समक्ष दिए गए। वो एकल पीठ को देखना है कि उस दिन वो सुनवाई करके कोई ऑर्डर पास कर सकती है या नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ अब मदन दिलावर के अधिवक्ता आशीष मौजूद हैं। आशीष से जानना चाहें, आशीष एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है इसको। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है क्योंकि नोटिसों की तामील कराना एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई थी हमारे लिए क्योंकि सारे जो विधायक है बहुजन समाज पार्टी के वो जैसलमेर के अंदर है और उनको तामील कराना बिल्कुल ही असंभव नजर आ रहा था। परंतु माननीय न्यायालय ने अपील में हमारी मामले की गंभीरता को देखते हुए रास्ता निकाला और अपील का निस्तारण हमारे एक तरह से पक्ष में करा गया। क्या मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी ओर से रखे गए जिसके वजह से आपके पक्ष में फैसला आया? देखिए, मामला माननीय न्यायालय इस चीज से माननीय न्यायालय भी समझ गया था कि नोटिसों की तामील होना पॉसिबल नहीं है और अगर नोटिसों की ही तामील नहीं हो पाएगी तो 11 तारीख को जो स्टे एप्लीकेशन पे बहस है वो नहीं हो पाएगी और जो सुनवाई टल जाएगी और अगर सुनवाई टलती तो मामला एक तरह से इंफ्रक्चर्स हो जाता। पिछले लंबे समय से लगातार देख रहे हैं मदन दिलावर की याचिका पे सुनवाई हो रही है, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि खंडपीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है कि नोटिस तामील हो, साथ ही 11 तारीख को फैसला भी आए। बिल्कुल, 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन पे आदेश पारित करने के लिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने लर्नर्ड सिंगल जज से रिक्वेस्ट करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि 11 तारीख को मामले की सुनवाई, हाँ जहाँ तक स्टे एप्लीकेशन है कि हद तक मामले की सुनवाई हो जाएगी। आज जो अपील हमने की थी उसमें सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने आदेश उसमें पारित किया है, उसमें 3 निर्देश दिए हैं। पहला, जो तामील संभव नहीं हो पा रही थी, जो 6 विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं कांग्रेस ने, उसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ से स्पेशल मैसेंजर नोटिस लेके जाएंगे और वो DJ जैसलमेर को हिदायत दी गई है वो तामील सुनिश्चित कराएंगे उन पर। अगर तामील कराने में कोई उनको आवश्यकता महसूस होती है तो SP जैसलमेर की सहायता लेकर उन पर तामील सुनिश्चित कराएंगे 8 तारीख तक। दूसरा निर्देश जो दिया है वो ये दिया है कि जैसलमेर बाड़मेर जो एडिशन है उसमें भी उनको नोटिस प्रकाशित कराएं तामील हेतु 6 विधायकों पर। दिनेश जी, अब 11 तारीख की सुनवाई को किस रूप में देखा जाए क्योंकि अब खंडपीठ ने अपने आदेश दे दिए हैं, ऐसे में 11 तारीख की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण। 11 तारीख की सुनवाई के लिए कम से कम एक व्यवधान जो तामील का था, हो सकता है तामील नहीं हो पाती तो 11 तारीख को कोई उस पर सुनवाई ही नहीं हो पाती। अब कम से कम इतना हमें आशा है कि क्योंकि उन्हें तामील सुनिश्चित हो जाएगी तो 11 तारीख को उस पर मेरिट पर जो भी बहस हो जाएगी और कोर्ट अपना आदेश दे सकेगी मेरिट पे हमारी स्टे एप्लीकेशन। क्या आपको लगता है कि फैसला आपके पक्ष में आने की, आज की परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं क्योंकि तामील एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और सियासी संकट के बीच जैसलमेर में सरकार के मंत्री और विधायक रुके हुए हैं। UDH शांतिधारी